हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेएस बायोलॉजी क्लासेस में ज्योति सिंह। हमने पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज देखी थी। सिमिलरिटीज में मैंने बताया था कि दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन एक सेल का। तो आज हम सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन फंक्शंस पढ़ेंगे जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, जैसा कि हम जानते हैं, जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल से पहले जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल में, उसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इसलिए है सेल वॉल क्योंकि जो प्लांट होते हैं और जो फंगी है, एल्गे है, उनमें सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। तो ये सब जो है बाहर में रहते हैं, उन्हें नेचर का इफेक्ट भी सहना पड़ता है, जिसके कारण उसे सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट है जो कि नॉन लिविंग है। तो ये बहुत ही टफ है, रिजिड है, ठोस है, जो कि इन मौसम के प्रभावों से उन्हें बचाती है। सेकेंड है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है। पहला नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग है, जैसे टेबल है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो बहुत ही ठोस है, रिजिड है टेबल हमारा। तो कोई भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है। सेल वॉल का ठोस होना बहुत ही जरूरी है ताकि उसे बैक्टीरियल इफेक्ट से बचा सके, मौसम के प्रभावों से बचा सके। जब आंधी तूफान आए तो पेड़ पौधे टूट ना जाए तो सेल वॉल उसे हेल्प करती है। थर्ड है कि ये सेल वॉल जो है शेप प्रोवाइड करती है। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा कि न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं उसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, जिसके कारण वो शेपलेस हो जाती है। और उनका जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। तो ये सेल वॉल क्या कर रही है, यूकैरियोटिक सेल में, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। तो ये शेप भी दे रही है। अगर ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहेगा तो सेल जो है, कोशिका जो है, इसका आकार जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सेल वॉल का एक और फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट कर रही है डैमेज से, या सेल वॉल ब्रस्ट ना हो जाए तो ये मैकेनिकल इंजरी से भी सेल वॉल हम सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का एक और मेन फंक्शन है, सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल जो है, सेल वॉल सेल को, जो अगल बगल जो भी सेल है, नेबरिंग सेल जो है, आपस में सबको कनेक्ट करके रखती है, ताकि जो उसके साइटोप्लाज्मिक में जो भी न्यूट्रिएंट है वो दोनों सारे सेल में आदान प्रदान हो सके। अब एक और है कि सेल वॉल जो है फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है सेल वॉल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर होने के कारण उसे भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसे प्रोटेक्शन सेल वॉल प्रोवाइड कर रही है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है। अब सेल वॉल किन किन में पाया जाता है। प्लांट में हम जानते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फंगी में भी सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया में, जो प्रोकैरियोटिक सेल जब मैंने पढ़ाया था तो हमने बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल के बारे में मैंने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके सरफेस में क्या पाया जाता है बताया था। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, एल्गे में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलेगा। अब जो है इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि प्लांट में जो सेल वॉल पाया जा रहा है तो उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, एल्गे में केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल वॉल का। तो हम पहले एल्गे में देखते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन। एल्गे में हमें देखने को मिलेगा कि जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ये कॉमन है, सेलुलोज प्लांट में हम जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। जो सेलुलोज होता है वो इनसॉल्युबल मटेरियल है, वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं करता है। जब हम देखते हैं अगर किसी लिविंग प्लांट में, अगर वो लिविंग स्टेट में है प्लांट, उसके ऊपर अगर हम पानी छींटते रहते हैं तो प्लांट जल्दी मुरझाता नहीं है, वो मरता नहीं है, गलता नहीं है। जब प्लांट वो मर जाता है, अगर उसे हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, उस प्लांट में अगर हम पानी की छींटे डेली डालते रहेंगे, एक दो दिन में हम
देखेंगे कि प्लांट वो गलने लगता है। तो ये जो सेलुलोज है, ये इनसॉल्युबल मटेरियल है जो कि प्लांट को गलने से रोकता है। एल्गे में पहला सेलुलोज केमिकल कंपोजिशन एक लैक्टेन्स का बना हुआ है, मन्नास का बना हुआ है, एंड मिनरल्स का भी बना हुआ है। मिनरल्स में बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही टफ होता है। और एल्गे में जो सेल वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना हुआ था, जो इसे ठोस या रिजिड प्रोवाइड बनाता है। अब प्लांट में सेलुलोज का बना हुआ होता है सेल वॉल, इसमें हेमी सेलुलोज का भी बना हुआ रहता है, पेक्टिन एंड प्रोटीन का बना हुआ है सेल वॉल। ये केमिकल कंपोजिशन है प्लांट की। और सेलुलोज बहुत ही मतलब कॉमन चीज है कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। अब बैक्टीरिया में देखते हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहां पे सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन बताई थी। तो फिर से हम जान लेते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन्स का बना हुआ है। फंगी में हमें काइटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स का देखने को मिलेगा कि सेल वॉल बना। तो ये जो है केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल की। सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। एक बहुत ही मेन फंक्शन है कि सेल को जो है, अगर नेबरिंग सेल को जो है आपस में कनेक्ट करके रखती है। तो हम देखते हैं सेल वॉल, ये फिगर मैंने बनाया है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। यहाँ पे जो सेल वॉल होता है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रोइंग सेल को ग्रो करने में हेल्प करती है, जबकि सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो मोटाई मतलब पेड़ पौधों को जो है वो मोटाई प्रोवाइड करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले, ये देखिए बीच बीच वाला जो हमें दिख रहा है, ये वाला लेयर ये प्राइमरी सेल वॉल है, और सबसे इनर वाला जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं मिडल लैमिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि जो लैमिला है ये सेल वॉल के बाहर में पाया जा रहा है, लेकिन इसे मिडल लैमिला क्यों बोला जा रहा है। यहाँ पे सेल वॉल है, ये सेल मिडल लैमिला है, हमें याद रखना है कि सेल वॉल के बाहर भी एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं मिडल लैमिला। और ये मिडिल लैमिला जो बहुत ही टफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये सेकेंड सेल है, ये वाली जो आउटर लेयर है ये मिडिल लैमिला है। मैंने अभी बोला जो ये मिडिल लैमिला है ये क्या करती है, सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट होने का रास्ता प्रोवाइड करती है। फिर इसके बीच में हमें देखने को मिलेगा कि एक प्राइमरी सेल वॉल है, फिर अंदर में सबसे इनर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मिडल लैमिला है ये दो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज करवाती है। यहाँ पे देखिए एक रास्ता यहाँ पे मैंने बनाया है जिसे हम बोल रहे हैं प्लास्मोडेस्माटा। तो ये प्लास्मोडेस्माटा क्या करवा रही है, नेवरिंग सेल को साइटोप्लाज्मिक, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज सामान को एक्सचेंज करने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रही है। तो ये सेल वॉल के कारण ही हो रहा है। हमने सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशंस में उसके क्या सेल वॉल का क्या मेन फंक्शन है मैंने बता दिया है। तो ये जो सेल वॉल का जो ये केमिकल कंपोजिशन है, एल्गे प्लांट्स बैक्टीरिया एंड फंगी का ये केमिकल कंपोजिशन पे हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेल वॉल का जो एक मेन फंक्शन है कि सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करके रखती है, थ्रू किसके थ्रू, प्लास्मोडेस्माटा के थ्रू। तो ये सेल वॉल का जो आज का वीडियो है इसमें मैंने सेल वॉल पे जो भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको सही पूछा जाएगा। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।